सुप्रभात, मैं शगुन स्वागत करती हूं आपका देवभूमि इनसाइडर में। रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबर। पश्चिम बंगाल में चौथी कक्षा की बच्ची का शव नहर में मिला, रेप के बाद हत्या का आरोप। उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी को फूंका। कुपवाड़ा में घुसपैठ कर रहे दो आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, सर्च ऑपरेशन जारी। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने संवेदनशील इलाकों पर चलाया तलाशी अभियान, हथियार गोली बारूद जब्त। अमेरिका ब्रिटेन के लापता ट्रैकर्स की तलाशी में तीसरा दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी, अभी तक नहीं मिला कोई कामयाबी। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनी असम की रंगीनिया की दुर्गा पूजा। तो ये थी सुर्खियां देश और दुनिया की। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। कल रुद्रप्रयाग दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, लखपति दीदी अभियान में लेंगे हिस्सा, नारी सशक्ति का करेंगे सम्मान। भेज बदलकर तीर्थ यात्रा के बीच पहुंचे बीकेटीसी के सीईओ, यात्रा व्यवस्था पर लिया फीडबैक। दिसंबर में ही निकाय चुनाव करा सकती है सरकार, प्रवर समिति ने ओबीसी संरक्षण के लिए मांगा समय। पैच, नेशनल हाईवे पर युवा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। देहरादून में लगा रोजगार मेला, 700 से अधिक पदों का चयन, पहुंचे 30 से अधिक कंपनियां। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद।